लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आदित्य, तुम तैयार है ना? मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूं। आई लव यू। सरप्राइज। अरे तुम कहां आई? एक घंटे पहले। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाली थी। हाँ, लेकिन कलकत्ता में इतनी गर्मी थी ना, मैंने सोचा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊं। स्टूपिड, मुझे तुम्हारी कितनी याद आई। तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। मां कैसी? माँ अच्छी है, लेकिन ये पूछो कि मैं कैसी हूँ। तुम कैसी हो? हाँ अच्छी हूँ, but you look disappointed to see me। क्यों? ऑफिस में किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? पार्टी है ना? हाँ पार्टी है। नहीं, तुम नहीं जा सकते पार्टी में। तुम समझती नहीं हो, बॉस नाराज हो। तो फिर मैं भी चलूंगी। तुम आधे घंटे बाद पहुंच जाना। ठीक है, लेकिन अभी 8 बजने में एक पूरा घंटा है, है ना? है ना, है ना, है ना, है ना? बता बता विलास कहाँ है? बता दे। चल बता। तू पंगे ले रहा है तो बता दे विलास कहाँ है, बता दे, मार खाता रहेगा क्या ऐसी? अबे मर जाएगा तू, बता विलास कहाँ है। साला बता देना बे, बता 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 विलास कहाँ है, बता विलास कहाँ है। कबूतर के माफिक देखता रहता है। बता। अबे मोहल्ला हमारा, एरिया हमारा, गली हमारी और दादागिरी तुम्हारी, बोले जाता है क्या बस? ए मार फिर मत यार, कितना लगा है इसको, बता बता। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है विलास। अगर मालूम होता तो बता देता मैं। रोया लगता अपन अलीबाग से आएगा। हाँ बोले तू, वो जाना है क्या? अकेला आया तू अपना इलाके में? तुम लोग क्या करते हैं? पुलिस की तरह इंक्वायरी करता है क्या? अभी तक इतना जिंदा क्यों आई है? इसके दिल में क्या है? जाने के लिए दिल की बात छोड़ दो, तोड़ इसको। बट भाई अगर मुझे कुछ हुआ तो प्रफुल्ल भाई छोड़ेगा नहीं, एरिया को हटा देगा। प्रफुल्ल
छोड़ेगा नहीं तुम लोग को। और अंकल आया भाई, सच्ची है क्या? तेरा आदमी है तू ही जाने, बाहर तो एक खबर है। कितने में बेचा है मुझे? सुना है 10 पेटी। अभी इस वक्त किधर हो? होटल सी व्यू रूम नंबर 14। जल्दी चलो, देर हो रही है। तुम चलो, मैं आ रहा हूं। साथ जाने में डर लगता है ना? पसीना पसीना हो रहा है साला। डर लग रहा है काबे? पता नहीं, मेरा ये जूता काट रहा है नया। डर की बात नहीं है यार, बात कुछ और है। क्या है? तुम तो पुराने खिलाड़ी हो, अब पहली बार कोनो दोस्त को मारा है होगा? विलास अपना दोस्त है यार, कल तक अपनी गैंग में वो अपुन के साथ गेम बजाता था, आज अपुन उसका गेम बजाने आया तो टेंशन तो होएगा ना यार। ऐसा कर, तू यहीं रुक। मतलब कल मैंने कुछ किया तो मेरा भी यही होगा? बच्चों जैसी बात मत कर, जवाब तू भी जानता है। चल बॉय, You don't have that killer instinct. आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? तुम बहुत नर्वस लग रहे हो। बात क्या है? ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं? वहां से तुम्हारी बीवी आएगी और वहां पर मालविका गाएगी। आप गलत समझ रहे हैं सर, मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, कमाल है, इंतजार भी नहीं करते। चुप हम रहे, चुप तुम रहा, चुप हम रहे, खामोशी का खामोशी से जिंदगी का जिंदगी से बात करने दो। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, चुप तुम रहो, चुप हम रहे, खामोशी को खामोशी से जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, चुप तुम रहो। जैसे डोले रा
उंगलियों को उंगलियों से मौसमों को शौकियों से बात करने दो। चुप तुम रहो चुप हम रहे चुप तुम रहो। शब्दों के गीत होठों पर होठों से लिखे बिन शब्दों के गीत किसी को नहीं मालूम है कि तुम यहाँ हो। हमारा ठीक क्या हुआ मेरे टिकट का? अभी तुम लोगों से दो टिकट अरेंज नहीं हो रहा है? अरे तो प्लेन का नहीं मिलता तो ट्रेन का करवा के दे मेरे को, जल्दी करवा। देखो रमन भाई आए ना तो उनसे आराम से बात करना, उनको समझा के कहना कि प्रफुल्ल कालिया के गैंग ने तुम्हें फंसाया है। हाँ, जैसे मैं बोलेगा और रमन की समझ में सब आ जाएगा। रमन के भेजे में कोई बात घुसता नहीं। आए तुम सब लोग इधर रुको भाई, अकेले अंदर मत जाना। मैं बोला बाहर है निकल। खबर सही सुनी थी, खबर सही सुनी थी मैंने। दस पेटी का सुपारी लिया तो रमन भाई को खत्म करने का, दस पेटी का सुपारी लिया। खबर सही सुना है मैं। कलकत्ता जाके उसको पकड़ा था उसे मार, क्योंकि 10 लाख के पीछे वो शब्द तू भूल गया।
ना मैं नहीं है रमन, भूला तू है। तू भूल गया अपना वो दिन जब साले हम लोग मिलके मारवाड़ी सेठ लोगों को लूटा करता था है? मैं हमेशा तेरे को अपना भाई माना हमेशा, और तू समझता मैं धोखेबाज हो गया, मैं सौदा किया लोगों के साथ। बाहर नहीं आना। धोखेबाज नहीं तो क्या, धोखेबाज नहीं तो क्या विलास, मैं तेरा फोटो देखा है प्रफुल्ल कालिया के साथ बैठ के, तू दारू पी रहा था, दारू पी रहा था, तो इसका मतलब यह कि मैं मिल गया क्या उसके लक्ष्य का। लॉक कर लो भाभी। लगता है अपने को अंदर जाना पड़ेगा। रमन भाई को बहुत टाइम लग रहा है यार अंदर। जब से पैदा भी नहीं हुआ ना तब से रमन भाई बहुत बार अंदर जाके बाहर आ चुका है, समझा ना। कुछ चमचागिरी मत करना। चमचा किसको बोलता है? ए, मेरे को बोला, इकबाल को बोला? नहीं रे, तेरे को ही बोला होगा फिर। रत्ना जरा बाहर जाना। मिल गई फुर्सत आने की। यू आर एक्सलेंट। और थैंक्स। नाराज हो क्या? मैं तो ये कहने आया था कि आज रात को अगर तुम चाहो तो। रात को लोगों के सामने कॉन्ग्रेट्स कहने की हिम्मत है नहीं तुम्हें, और रात को पूजा भी तो थी यार वहां। मैं उसके सामने कैसे कह सकता हूं? कब तक छुपाओगे उससे? कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। तुम उसकी फिक्र मत करो। रात को आ रही हो ना? पूजा से क्या कहो? आई लव यू। द डोर इज ओपन। दरवाजा, दरवाजा खुला है आदित्य। मालविका, तुम, what the devil are you doing over here? मैं बस ये यहाँ पर इनको मुबारकबाद देने आया हुआ था। अच्छी खासी मुबारकबाद दे रहे थे तुम, और वहाँ तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अंदर रख चुकी। चुच्चा किसको बोल रहा है? अभी करता हूँ मैं प्रफुल्ल कालिया को फोन। हाँ, सुनना, बोलना नहीं, एकदम नहीं बोलना। उठा भी फोन, उठा। हेलो, प्रफुल्ल कालिया बोलता। हाँ प्रफुल्ल कालिया, हरामजादे, मेरे को फंसाएगा तू, मेरे को मरवाएगा रमन के हाथों। अभी सुन, अभी गया रमन, उसका हो गया जयराम श्रीराम, और अब तेरा बारी है हरामजादे, तेरा। तो तेरा भला किया तभी तो तू रमन को उड़ा पाया। अभी हर धंधा तेरा, अपन साथ में मिलकर धंधा करेगा। ठीक बोला रे सुअर तू। अभी बोल, अभी बोल, समझ में आया? भेजे में घुसा तेरे बात। हाँ बोल। क्या किया है? क्या किया है? क्या किया? कुछ 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 क्यों? कुछ क्या किया? अबे रमन, सुनो, मैंने जो बोला Come on!
आदित्या इज अ बास्टर्ड और अगर तुम्हें थोड़ी भी अकल होगी ना उसे अपने पास तक नहीं भटकने दोगी। सुन रही हो कि नहीं? नहीं। यू रियली आर अ फूल। देखो वो शादीशुदा आदमी है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। और मैं बेवकूफ बन रही हूँ? तुझे क्या हो रहा है, तू अपना काम कर। ठीक है फिर बाद में मत आना रोती हुई मेरे पास। When he goes back to Pooja. ठीक है नहीं आऊंगी। You really are mad. उसके प्यार ने तुम्हें एकदम पागल बना दिया है। हाँ बना दिया है, मुझे भी और उसे भी। You're nuts. सुन यार प्लीज। हाँ पैसा पहुंच जाएगा, संभाल तू। एम्बुलेंस आ गई। आगे भाई एम्बुलेंस आ गई है। शंकर विलास को गोदाम में बंद करके रखना, दिमाग खराब है इसका, जान ले लेगा किसी का भी। पर इकबाल को कहो कि इसको देशपांडे के क्लिनिक में ले जाए और हार्ट अटैक का सर्टिफिकेट चाहिए मेरे को। हार्ट अटैक का सर्टिफिकेट, समझा तू? हार्ट अटैक का सर्टिफिकेट। और पचड़ा नहीं मांगता मुझको। कल सुबह मिल मुझे। बोला था ना चूतिया मरवाएगा एक दिन। पूजा तुम्हारे बारे में बात हो रही थी, क्या बात है, परेशान लग रही? सुनो मैं तुम्हें इनसे मिलाना चाह रहा था। पूजा प्लीज मुझे तुमसे कुछ बात करनी। तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? पूजा तुमसे जरूर किसी ने कुछ कहा है। बाहर जाओ। क्यों? मुझे कपड़े बदलने हैं। तो बदलो ना। तुमने मुझे पार्टी में थप्पड़ मारा, किसी ने कुछ कहा और तुमने यकीन कर लिया?
मेरा भी यकीन करो, वो पटेल नहीं कहा होगा कि मैं वो उसे पूरा मेरा जॉब ही ऐसा है, मुझे लोगों से मिलना पड़ता है, मुझे लड़कियों से मिलना पड़ता है, मुझे उन्हें एंटरटेन करना पड़ता है। बाथरूम में क्या बकवास कर रही हो, पागल हो गई हो? पूजा पूजा बताओ बात क्या है, जाके उस मौलवी का से पूछो। अच्छा अच्छा, ग्रीन रूम वाली बात। तुम बाथरूम में नहीं उसे ग्रीन रूम में मिलते हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं उसे नहीं जानता, बिलीव मी मैं उस लड़की से पहली बार तब मिला। स्टॉप इट, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं जानना चाहती कि तुम उससे कहां मिलते हो, कब मिलते हो, कितनी बार मिलते हो, हफ्ते में एक बार या दो बार। डू मी फेवर प्लीज, जस्ट गेट आउट। उसका फोन है ना पूजा? उसका फोन था ना पूजा? देखो ये उसका फोन नहीं है, सुनो मेरी बात। मेरी बात सुनो, देखो तुम निकल जाओ ना, मैं इस खिड़की से कूद जाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस। देखो ये मेरा घर भी है, तो तुम रहो इसमें। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं रहना है यहाँ। तुम उसे क्यों नहीं बुला लेते? छोड़ो मुझे, मुझे नहीं रहना है। हमें बात हो सकती है पूजा, पूजा मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है पूजा। आफ्टर ऑल वी आर पूजा मैं उस मालविका से क्या बताऊं पूजा। यार आदित्य साहब, ये क्या चिल्लम चिल्ली मचा रखी है इतनी रात में पूजा? अरे यार ये बंबई की दीवारें ये हिल जाती हैं चीख पुकार करने से। सुनिए मैं यार, मियां बीवी के झगड़े किन घरों में नहीं होते पूजा प्लीज। लेकिन इस तरह से कोई तमाशा करता है क्या? देखिए देखिए मैं आपके मामले में दखल अंदाजी नहीं। यार तुम हो कौन यार? मैं हूं कौन? क्या बोल रहे हो तुम पूजा प्लीज? नॉट राइट, मैं सुबह कंप्लेंट करूंगा सोसाइटी में। प्लीज पूजा खोलो यार। देवता वातु देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वशो देवता देवता। भाई ये बोला नंबर मौजूद नहीं है। क्या नंबर डायल किया था तुम? टीवी ऑफ कर जाके। अरे टीवी ऑफ कर जाके, छोटा किधर है? छोटा छोटा जा, भाई बुला रहा है, चमचा कहीं का। ए चमचा किसको बोला? मैं भाई की इज्जत करता हूं, कोई और ऐसे बोलता ना तो कान के नीचे एक बज आया था मैं, पर तो मेरी। अच्छा क्या हूं तेरी? तू अपनी गर्लफ्रेंड है ना? भाई से कहने की तो हिम्मत है नहीं। कहेगा एक दिन, अपन भाई से भी कहेगा। थोड़ी जल्दी करना, बहुत से है लाइन में। साले कौन है? छोटा जा, मेरा भाई बुला रहा है। मिलता हूं तेरे को। मेरे को बुलाया भाई? कहाँ था तू? वो क्या था भाई? गोदाम का नंबर मिला, मिल नहीं रहा तुमसे। बाप कोई यहाँ पर बहरा हो जाएगा। घर में कोई बहरा होगा तो वो मैं हूँ। तेरे को कोई तकलीफ है क्या? मुझे तकलीफ ये है कि उधर हवन चल रहा है, इधर टीवी चल रहा है, कोई एक काम करो ना। टीवी मैंने अपने लिए चलाया है और हवन हो रहा है तेरी माँ के लिए जो मर गई है। पाटंकर? हाँ भाई है। हाँ। पाटंकर का फोन। एक सेकंड, उसको मना करो ना, दिमाग खराब हो रहा है। देखती हूँ, ठीक ही तो कह रहा है। मिलना चाहता है भाई। बुला ले यहाँ पे, कह मैं शेट्टी के दुकान पे उसको मिलेगा, कोई जूता लाएगा, बैठ। हाँ पाटंकर, भाई बोला शेट्टी के यहाँ आने का है। कब आई तू? आज शाम को। कुछ धंधा वंदा शुरू किया उसने? तूने कहा था ना तू उसको पेट्रोल पंप दिलवाएगा। उसको हराम का खाने की आदत पड़ गई है। देख तेरे लिए मैंने घर दिया, महीने का राशन यहां से जाता है, महीने का रुपया यहां से जाता है, तू उसको समझा?
कि टैक्सी का परमिट निकाल के टैक्सी चला। तेरी बहन का शौर टैक्सी चलाएगा, तुझको अच्छा लगेगा? क्यों, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरा बाप यहाँ पर मुझ पर चीखता रहता है, मुझे बुरा नहीं लगता। तो तेरा पति टैक्सी चलाएगा तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? उसे समझा, मेहनत की कमाई खाया करे, हराम का नहीं। छोड़ा चल। बाबू झूमो नाचो चिंता बिंता छोड़ो जी छोड़ो जी, जो बटे तुझको मुझसे मुझको तुझसे वो दीवार तोड़ो जी तोड़ो जी, ये साली लाठी वाठी गोली बोली मारा मारी सबकी ऐसी तैसी जी, ये साली लाठी वाठी गोली बोली मारा मारी सबकी ऐसी तैसी जी, दिल को देकर दिल को ले लो बुरी बुरी कैसी जी। रॉन्ग नंबर। छोटा गोदाम पे ट्राई कर, टोरी को बोल के अपन अभी आते हैं। रमेश के साथ साजिद है क्या? यही है वो। दादर भाई का कुछ लगता है क्या? रिश्ते में लगता है उसका कुछ। जीवन है माँ के जैसा, जैसा तो चाहे सजा ले तू, चाहे बनाई से दर्पण, चाहे खिलौना बना ले तू, लपड़न का झगड़न का लड़के को लड़की चाहेगी, जब तक मैं जब तक है तू यूं ही जवानी गाएगी, काहे की ये चिल्लम थी दिल से देखो जोड़ो जी। बोला रमन भाई का फोन है। डॉक्टर देशपांडे नहीं है, फोन ना उठाने बोला, मालूम नहीं किधर गया। मुझे प्लीज फोन मत करना, प्लीज समझाने का मौका दो। अरे बोला ना, ट्राई किया सारा लाइन व्यस्त है बोलती है। एक बार ट्राई, चल ट्राई मार। मुझे फोन मत करना प्लीज। मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात। मैं घर आ रहा हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेली नहीं। कौन है तुम्हारे साथ? तुमसे मतलब? पूजा मैं घर आ रहा हूँ। पूजा आई लव यू। चल चल अपना रोमियो जूलियट वाला बात तू बाद में बात कर। देखिए भाई साहब मुझे फोन करना है, आप करने देंगे या नहीं करना है? ए भाई बोल या साहब बोल, लखनऊ से आने लगा। तुझे मैंने एक बात, मैं फोन कर रहा हूँ डिस्टर्ब कर रहा है, अजीब आदमी कौन है आप लोग? क्या हुआ रे? क्या हुआ भाई? अरे बोलना क्या हुआ? अजीब किस्म की गुंडागर्दी फैला रखी है। क्या किया ये भाई, कौन है तू? जल्दी गाड़ी निकाल भाई साहब। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ मैं क्या, किससे पंगा ले रहे हैं आप? हाँ कौन ले रहा पंगा? अरे भाई साहब जिसके साथ आप पंगा ले रहे हैं वो भाई ये रमन भाई। मैं क्या करूं अगर रमन भाई है? अरे क्या तुम पेपर नहीं पढ़ते हो? ये रमन निकल निकल यहां से। भाई 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 भ
निकलेगा संजय भाई। सलाम भाई। हीरो को यहाँ लाके खलास करना पड़ेगा, नहीं तो बाजार में हमारी इज्जत की वार लग जाएगी भाई। कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। लंबे बाल वाले को इधर। अरे देखता क्या, पता ना देखा है कि नहीं। लंबे बाल वाले किधर गया? अरे पता किधर गया? अरे पीने पीते रहो तुम लोग साले। किधर गया, किधर यार ये? किधर गया साहब? कमाल किया यार ये। देख भाई को तू बोलना भी। नहीं 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 तू ही बोल यार। ये जूता क्या यार, जूता फेंकना तू। फेंक क्या, नया जूता है हाथ में लेके घूमता है और क्या। टोनी, ए विलासे तू क्या कर रहा है यार? देख तू भाग तो पाएगा नहीं, खामखा मुझे गोली चलानी पड़ेगी। तू मेरे पे गोली चलाएगा? मेरे पे गोली चलाएगा तू? विलास पे गोली चलाएगा हरामजादे? अभी कुत्ता हो गया तू, कुत्ता। रमन का कुत्ता हो गया तू। चाट उसे, चाट जाके उसे। ए टोनी देख तेरे अंदर कुछ बचा है ना, है तो खोल मेरे को, खोल हरामजादे, खोल। देख विलास मैं तेरे को छोड़ नहीं सकता यार। हरामजादे बता बता तेरे को कौन लेके आया था इस गैंग में, कौन लाया था तेरे को बोल, बता ना कौन लेके आया था तेरे को। मैं सब समझता हूँ विलास, पर क्या है मेरी भी तो नौकरी है ना। रामजादे मेरे घर पे आता था तू और मेरे को बोलता था कि शोभा से शादी कर ले, शोभा से शादी कर ले, पर जब वो मरी तो तेरी आंख से एक आंसू नहीं निकला, तू कुछ बोला नहीं। तू गलत समझ रहा है विलास, तू बार बार कह रहा है शोभा मर गई है। शोभा मरी नहीं है यार, इकबाल उसे हॉस्पिटल लेके गया है। देख टोनी, टोनी मैं तेरे से भीख मांगता है, खोल मेरे को, मैं तेरे से भीख मांग रहा है, खोल दे रामजादे, खोल। देख विलास मैं तेरे को नहीं खोल सकता, अगर तेरे को खोला ना तो रमन भाई मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। देख टोनी, टोनी मेरे को नहीं मालूम कि रमन तेरा क्या करेगा, लेकिन मैं उस हरामजादे पर नहीं छोड़ेगा। टोनी, ए टोनी। सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी। कितनी देर कर रहे तुम? जल्दी चलो, जल्दी निकालो, कल जो देर करते हो। हाँ समझ जाएगा सब, चिंता मत करो। चले जाए इसको उधर रख, चल। मैं सिर्फ थाने से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, भाई बोला है कि हार्ट अटैक का सर्टिफिकेट देगी। देखो बाप करा समझ रखा है क्या, सर्टिफिकेट हार्ट अटैक बनेगा, एक्सीडेंट का तुझे इसको मतलब नहीं होना चाहिए। जाके बैठ उधर। लेकिन भाई बोला है ना। हेलो टोनी। हाँ बोल इकबाल। भाई को बोलो कि शोभा का डेथ सर्टिफिकेट हो जाएगा। क्या? अगर वो होटल में ही मर गई थी। Hey, टोनी, टोनी क्या हुआ रे? टोनी, टोनी मेरे को बता क्या हुआ रे? टोनी, मेरे को बता ना क्या हुआ? बोल ना। चुप काहे को है, बोल क्या बात है? किसका फोन था? कुछ हुआ है क्या? किधर जा रहे तू? ए सुन मेरी बात, टोनी। टोनी, टोनी मेरे को बता क्या हुआ रे? मेरे को बता अभी बात क्या है? विलास, ये ले और तू यहाँ से जा। टोनी मेरे को बता बात क्या है? मैं कहता हूँ विलास ये ले और तू यहाँ से जा। टोनी मेरे को बता बात क्या है? अरे समझता क्यों नहीं है? वो अस्पताल में मर चुकी है, तू यहाँ से जा, जल्दी जा।
बोली घबराना नहीं तू, हाँ अभी रमन बचेगा नहीं मेरे हाथ से, तू घबराना नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं घबराना तू, तेरे कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा तेरे को। फोन उठाओ यार। ओ राजेश, मैं आदित्य बोल रहा हूँ यार, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। हाँ हाँ मालूम है मुझे, मालविका यहीं बैठी है। ओ शिट, मैं उसको संभालूंगा यार, तू बस इमीडिएटली यहाँ आ जा। इमीडिएटली इधर आ जा मतलब? देख मैं तुझे बोलूंगा तो तू समझेगा नहीं, तू प्लीज तू आ जा, प्लीज आ जा। देख यार आदित्य, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अब तेरी कोई प्रॉब्लम है तो तू इधर आ जा ना, इतनी रात को तू मुझे बोल रहा है कि आ जा, इट्स टू मच यार। राजेश प्लीज प्लीज मेरी मदद करो यार। देख यार, देख मैं बहुत मुसीबत में हूँ, वो लोग मुझे मार डालेंगे, उनके पास हथियार हैं यार, प्लीज तू बस आ जा यार बस। अच्छा एड्रेस बोल। अगर तेरा शेट्टी 5 मिनट में नहीं है ना, तो मैं तेरा सारा बार फोड़ डालेगा, समझा? मैंने घर पे फोन किया था, शेट्टी साहब निकल चुके, अभी आते ही होंगे। तुम में से जो भी उस चिकने का पता जानता है ना, फौरन बता दो, वरना अपन पूरी रात इधर बिठा के रखेगा। सलाम भाई। सलाम भाई। वो कादर भाई ने सभी भाई लोग का मीटिंग रखा है। कादर भाई बोला कि प्रफुल कालिया से तेरे को बैठने को बोला क्या? हाँ, और ये भी बोला है कि अपने आदमियों को संभाल के रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं मिला भाई। भाई पूरी मुंबई से ढूंढ के निकालेगा हम उसको। मिल जाएगा वो भाई, मिल जाएगा वो। वो किधर है शेट्टी? किधर है? मेरे को शेट्टी मांगता है, समझा तू? शेट्टी मांगता है। राजेश रोक रोक रोक। सब ठीक तो है यार? राजेश मेरी बात सुनो प्लीज, यहां से जल्दी भागो यार प्लीज। एक मिनट, वो तुमसे बात करना चाहती है अकेले में, मैं भी राजेश मुझे किसी से बात नहीं करनी है, चलो यहां से भागो यहां से। मालविका, मालविका अरे रोको उसे यार। मालविका प्लीज। I am really sorry. मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं बहुत मुसीबत में हूं, गाड़ी में बैठो, मैं सब समझाता हूं। प्लीज ये नहीं आ रहा है कि हम लोग यहां क्यों आए। मैं अक्सर इस बार में आया करता था, पता नहीं मैंने शेट्टी को अपने बारे में क्या क्या बता दिया। ओ शिट, ये लोग तो अभी भी हैं। आप लोग प्लीज मुझे यहां छोड़ दीजिए। हाउ कैन यू, तू मुझे छोड़ के जाने की सोच भी कह सकती हो? बिकॉज़ यू आर अ बास्टर्ड। आई एम सॉरी, आई सेड आई एम सॉरी। माफी मांगी ना मैंने तुमसे, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। यार एक मिनट अपना झगड़ा बंद करोगे तुम लोग, कुछ लोग बाहर आ रहे। चल पीछे चल। अबे मरवाएगा तू, उल्टा जाना चाहिए, उनके पीछे जाने को बोल रहा है। ठीक है यार, कई साले को मेरा पता ना मालूम हो गया। फोन करके बोलता है मैं किधर है।
प्लीज मुझे घर छोड़ दो। ओह मालविका प्लीज प्लीज चल चल गाड़ी घुमा। से जितना हो रहा है उतना ही करूंगा ना, तू खुद आके चला ले गाड़ी। मैं उस बार में गया था। हाँ क्यों गए थे? तुम तो मुझसे मिलने आने वाले थे। कोई तो वजह रही होगी। हमेशा कोई ना कोई बहाना होता ही तुम्हारे पास। You treat me like your mistress। क्या बोल रही हो? पागल हो क्या? दुनिया के सारे काम खत्म हो जाते हैं तब तुम्हें मेरा ख्याल आता है, और वो भी शायद। And I am supposed to keep waiting for you। कैसे मिलता मैं तुम्हें रात को? पूजा को हम दोनों के बारे में पता चल गया है। पता नहीं किसने कुछ कह दिया, शायद तुमने कुछ कहा होगा। तुम तो पता नहीं जाने कहां कहां क्या क्या बोल देती है। स्टॉप इट राजेश, गाड़ी रोको। अदी राजेश गाड़ी रोको। अदी क्या कर रहा है यार, वो गाड़ी निकल जाएगी आगे। आई एम सॉरी। तू ही समझाना इसे। तू समझा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। सॉरी आई एम वेरी सॉरी। मैं कहना नहीं चाह रहा था, मेरे मुंह से निकल गया। यार मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम दोनों का झगड़ा सुनू, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। इधर तो हम अक्सर आया करते थे। यार ये वही जगह तो है जहाँ उस दिन मैं तुझे लेके आया था, वो तेरे बॉस पटेल के घर में पार्टी थी जब। भाई तो वो पटेल के घर जा रहे हैं यार। गाड़ी रोक। आदित्य काम करता है। बोला तेरे को आदित्य तेरा कंपनी में काम करता है। किधर रहता है? किधर रहता है? तुम लोग कौन हो? कौन है वे? कौन तो क्या हमारे इंतजार में खुली रखते? इससे पहले वो पटेल के यहाँ पहुंच जाए हमें फोन करना चाहिए। ऐसे एवरीबॉडी मीट माय फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। आइए जी। पर डार्लिंग जस्ट लुक आफ्टर माय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ देम। एवरीबॉडी हैव अ नाइस टाइम, हैव एंजॉय सर। एड्रेस है। हां हां, आप इस तरफ आइए। गणेश पूजा उसके साथ क्या देंगे? एड्रेस दिस इज द रूम टू हैव डेडिकेशन एंड म्यूजिक एंड हैव सम पिंक फ्लॉयड। नहीं बोलेगा तो काट डालेगा भाई। ए ज्यादा उछल मत। मस्त है ना?
खेलों का लाइफ भाई। रमन भाई, अपन कितनी भी कोशिश करे, कितना भी जोर लगाए, लेकिन ये स्टाइल, ये इज्जत उनके नसीब में नहीं है। ऐसा फालतू चीज रखता है तुम लोग घर पे, हाँ पूरा घर टिपता था, और ये ऐसा ट्रॉली रखता है, भाई का थोड़ा सा धक्का लगा तो गिर गया। अब देखता क्या, उठाओ ना इसको। ए, ए, बैठो, 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 बैठो ना, बैठो, बैठो मैडम, बैठो। मेरे कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, सबका एड्रेस मेरे पास रहना कुछ जरूरी नहीं है। देखिए छोटे है ना, इसने अभी तक खून नहीं किया है, और छुरा लगता है ना तो याद आता है सब कुछ। दे देना एड्रेस कि मैं बोलूं इसको, यंग लौंडा है, कुछ भी करेगा। जल्दी चला, जल्दी जल्दी, राइट में रानी कैफे खुला होगा, जल्दी कर। बंजर का गवाह देगा, कैसे एड्रेस मालूम होगा तेरे को? वो मेरी पुरानी डायरी में लिखा था। ये क्यों, क्यों क्या है? हासिम खयूम पटेल। खुदा हाफिज। हासिम खयूम पटेल, बहुत भारी नाम है आपका। क्या है? अगर आदित्य तुम लोग को मिल गया तो आप लोग उसको क्या करोगे? वैसे तो भाई के मूड के ऊपर है, पर मेरे को लगता है बादल में जाएगा। रुक रुक रुक, पटेल को फोन करना। हाँ उतर उतर। मैं आदित्य बोल रहा हूँ सर, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अगर वो आपके पास आए तो फायर। तुमको आप प्लीज समझ आ जाओ, तुम कल ऑफिस को आए। यस, किस तरह के लफंगे गुंडों के साथ तुम फिरते हो मुझे मालूम ही नहीं। तुम्हें पता उन्होंने क्या किया मुझे? हेलो, आपने बता दिया? मैं, हाँ सब बता दिया, तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, सबके बारे में बता दिया। एंड यू नो व्हाट दे वर टेलिंग मी, दैट दे आर गोइंग टू सेंड यू टू सम बादल। हेलो पूजा, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। पूजा, रॉन्ग नंबर, चले। लेट मी फिनिश माय ड्रिंक मैन। कुछ कर रहे, दरवाजा मत खोलना। पूजा सुनो, शिट पटेल राम जाने ने सब कुछ बता दिया। बैठ बैठ, चल जल्दी, चल अकेली है। मैं अभी क्या देख रहे इधर, जाए से फूलों में छुप कर महके और मुस्काए, माटी फूलों में छुप कर महके और मुस्काए, माटी ही तलवार का लोहा बन कर थी। मेरी बीवी भी मर गई, जलकर। मैंने नहीं जलाया उसे,
सुसाइड नोट छोड़कर गई। मैं अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार हूं। काफी कम उम्र थी, कोई एक्सीडेंट तो फिर किसी ने उसे मार। गोली से मारा। आइए मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूं, यहां से निकलेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए। शंकर जी कहे के सुना सके अब हम ससुररिया ना जावे, राजा होए तो अपने के होए। पूरा 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 कहाँ जा रही हो तुम? घर जा रही हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे इतनी रात को अकेले? बैठो गाड़ी में, मैं छोड़ूंगा। पागल हो गए हो क्या? आदित्य पूजा को लेने गया है। हाँ तो भाई वो जाएगा, उसकी जान को खतरा है, आखिरकार उसकी बीवी है वो। और मैं क्या हूँ? तुम बीवी तो नहीं हो। एग्जैक्टली, मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। वो पूजा को लेकर किसी भी वक्त यहाँ जाएगा और मैं यहाँ दूसरा नाटक नहीं खड़ा करना चाहती। प्लीज मुझे जाने दो, मैं आई टेक अ टैक्सी। यार मुझे नहीं लगता कि तुम अब जा सकते हो। गाड़ी में बैठो। गेट खोल दो भाई। मैं यही बंबई सर। क्या काम है? आदित्य साहब क्या जा रहा? छोड़ दे, पैसा देना मुझे। पूजा मैं अभी यहाँ पर आया था। जाए क्या करे ले? सब कार के इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उसको फिक्स कर रहा हूँ। कोई लेकर नींद तो हराम करता है। अटारे को जाके किलो के भाव में बेचते। तेरी बीवी है? चल टैक्सी पकड़ के पूछ। मुझे लगता है कि थोड़ी देर यहाँ ना दिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ रही क्या? अबे जा। वही है ही नहीं इसके बैंक की, मैदान खाली है। दो तीन पेटी का तो डेकोरेशन होएगा यार। क्या फ्लैट है बाप? आप उनको भी रमन भाई को बोल के ऐसा फ्लैट लेना चाहिए। अपना ही समझ यार, कब्जा कर ले, कौन पूछने वाला है। कब्जा कर ले मतलब? कब्जा कर ले, कुछ कानून बिनून कुछ है कि नहीं? कब्जा किधर है कानून, अपन लोग उसके आए कि नहीं है?
कहां से आ रही है? वॉशिंग मशीन किया क्या? अरे टेलीफोन होएगा। अच्छा से तेरे को हर आवाज टेलीफोन की लगती है। बोला था ना फोन होएगा, पहले सिग्नल हो रहा था। दिस इज 3679825, प्लीज लीव अ मैसेज आफ्टर द लॉन्ग बीप। आदित्य, आदित्य फोन उठाओ। एक आपका कार्ड है, फोन आदित्य। मैं जानती हूँ तुम वहां हो। एनीवे मैं नाज रेस्टोरेंट में हूँ केसी के साथ। मैं आजाद उसी के साथ घर आ रही हूँ, तुम घर पर मत रहना। क्या बोले रे? फिर से चालू कर, फिर से चालू कर। ये अपने हीरो की बीवी लगती है, इसी की आवाज थी फोन पे। चलो साले, किसी दूसरे मर्द के साथ घूम रही है। अपना रमन भाई इसके मर्द के पीछे और इसकी औरत दूसरे मर्द के पीछे। वैसे एक बात बोल, अगर अपनी बीवी ऐसा बोलेगी तो क्या बर्दाश्त करेंगे? मेरी बीवी बोलती है ना गुस्से में कभी कभी ऐसा, तो तू क्या बर्दाश्त करता है? एक देता हूँ खींच के सटाक। अंदर है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तेरे से अर्जेंट मिलने के लिए आए हैं। बहुत ढूंढ कर जरा आए। क्या भाई, तबीयत गड़बड़ नहीं है क्या? क्या कर रहा है तू, पागल तो नहीं हो गया? समझा नहीं भाई। बैठ बैठ। प्रफुल्ल कार्य आया था, वो तेरे से मांडोली करना चाहता है। वो धोखा दिया है भाई मुझे और विलास को, बिनाया वो। अरे जो हो गया सो हो गया, अभी साथ में मिलकर काम करो। बहुत मुश्किल है। क्यों? प्रफुल्ल तेरे से माफी मांगने को तैयार है। पर मैं उसको माफ करने को तैयार नहीं है भाई। भाई तुम बीच में मत पड़ो। रमन, बाकी भाई लोग आपस में मिलकर इत्तफाक से काम करना चाह रहे हैं, पुलिस भी तेरे से तंग है, किसी ना किसी दिन एनकाउंटर में जाएगा। इज्जत इसी में है कि तू। इज्जत कैसे बनती है कैसे बिगड़ती है मेरे को मत समझाओ भाई। अभी तुम मैं लोहा भर दूं, सारी दुनिया मेरे को सलाम करेगी। छोड़ो भाई, इस बचड़े में मत पड़ो। रमन पागलपन छोड़, आज होटल में थप्पड़ खाया, कल किसी सरफिरे के हाथों मारा जाएगा। परवाह ले भाई। क्या बोला भाई? मांडवाली करने की बात कर रहा है। कितना टाइम लग रहा है इनको? सलील तू इधर ही रुकना, भाई को बोलते हैं क्या हुआ। इसकी बीवी के थ्रू हीरो मिल सकता है, पर तू इधर ही रुकना और गोली वोली संभाल के चलाना। पैर पे नेम लेने का, खोपड़ी नहीं उड़ाने का। वो गायकवाड़ का खोपड़ी उड़ा दिया था तूने, याद है ना तेरे को? चल चल चल। अरे चल।
निकाल। बार बार मेरे से बात पूछ रहा है, मैं मारेगा ना उसको। क्या धंधा करता है तू? नौकरी ऑफिस में। तो अभी जा यहां से, काय को मेरे साथ चिपका हुआ है भाई? जा यहां से साले, नहीं तो मरेगा। अभी कहां जाएगा? मेरे वाइफ भी तो अब चुप कर कफला है। ले आ गया सामान लाया। अरे कैसी बात करता है विलास भाई, कैसी बात करता है। अरे एक बार जमान दिया ना तो दिया, सामान लाया। फोन किधर है? तू साला अभी भी फोन को धोखे पर समझता है क्या? अरे जो कुछ हुआ वो मेरी और रमन की पुरानी दुश्मनी थी। अगर तेरे साथ कोई लफड़ा होता तो तुझसे मिलने के लिए इधर आता क्या? हैं? आता, इसमें तेरा ही ज्यादा फायदा। क्या फायदा? हाँ हाँ, मैं चाहता तो मना भी कर सकता था। रैक रैक कैसे क्या दिखाता है? रमन को मारने निकला है तू,
तेरे से पैसे लेगा क्या? वैसे सामान तो एक बहाना था, मैं तुझे एक ऑफर देने आया था। अगर तू चाहे तो हम दोनों मिलकर साथ साथ धंधा कर सकते हैं। मैं बड़ाओं के साथ धंधा नहीं करता। और सुन प्रफुल्ल, तूने आज मेरे को गन दिया, बात इधर का इधर ही खत्म। किसी का किसी पर कोई एहसान नहीं पड़वे। बस 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 प्रफुल्ल कालिया से आज तक किसी ने ऐसा बात नहीं की। वैसे तेरी बीवी के मरने का मुझे अफसोस। मुझे भी अरे अंदर आओ ना। नहीं पूजा, मैं चलता हूँ। अरे अंदर आओ। अंदर है। सच में पूजा, मुझे जाना चाहिए। क्यों? आदित्य, अरे तुम बैठो, ये मेरा भी घर है। I'll get your drink. क्या बात है, क्या हुआ, क्या हुआ पूजा? Don't you understand? उसका किसी और औरत के साथ रिश्ता है, जाकर उसे बुलाओ। हमारे सामने सारी बातें तय करनी है, जाकर उसे बुलाओ। ठीक है, मैं बुलाता हूँ उसे, मैं अभी बुलाता हूँ उसे। आदित्य, आदित्य, पूजा, पूजा, वो यहाँ नहीं है। आदित्य, ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट आदित्य, ये क्या तमाशा है? स्टॉप इट, स्टॉप इट आदित्य, जस्ट स्टॉप इट। चिल्लावत, पुलिस आ रही है। कराओ, बंद कराओ साले को, रोज रोज का कंटे ही खत्म। अबे ओ चिकने, कौन है तू? अरे भाई, थोड़ी देर और देखते हैं ना, अगर पूजा का फोन नहीं आया तो मैं चला जाऊंगा। वो क्या नाम उसका, क्या बोल रहा था तू? क्या कर क्या रहा है तू? वो तेरा दोस्त है ना, जिसके फादर पुलिस में कमिश्नर है, क्या नंबर है उनका? 6295611। क्या करना, क्या है? पुलिस को इन्फॉर्म करता है। अबे मरवाएगा तू, अबे वहां से तो उल्टे और जल्दी पता चल जाएगा कि हम कहां है। रमन जैसे आदमी के कॉन्टेक्ट तो होंगे ना पुलिस डिपार्टमेंट में, तो मैं क्या करूं? देख आदित्य, मुझे लगता है कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए तुझे इस शहर से बाहर चले जाना चाहिए, बस। कुछ दिनों के लिए कहीं किसी दूसरे शहर में जाते हैं। आदित्य,
पूजा को छोड़कर नहीं जा सकता। सच मैं नहीं जा सकता। भाई हो या कोई भी भाई हो, उसने मुझे आदित्य का एड्रेस पूछा एंड आई गेव इट टू हिम। उसके बाद वो कहां गया, हाउ द हेल शुड आई नो? हां तो मेरे को भाई को देना था, एक मैसेज देना था, और उसी वास्ते ढूंढ रहा मैं उसको। रखता अभी? हां 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 रख दो प्लीज, रखो रखो। देख विलास, तेरा काम हो गया ना? मैंने पटेल का नंबर दे दिया और उस पटेल ने उस छोकरे का एड्रेस भी दे दिया है। तेरा काम हो गया ना? देख, मुझे और इस लफड़े में मत फंसाओ। देख, इस आदमी को रिवॉल्वर को पैक करने को बोल। आराम से, आराम से। अनाड़े आदमी है, कभी इसका हाथ चल गया ना, ऐसा उछलेगा कूदेगा तो तेरा नौकरानी को दिक्कत हो जाएगा सुबह तेरा भेजा साफ करने में। चल रहे, अभी क्या हुआ? ये बोलता तू कमीना है, मेरे जाने के बाद रमन को खबर देगा तू, इसलिए तेरे को मारने का है। ए, 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 ये तो पागल हो रहा है, मारने की बात कर रहा है। विलास भाई कहां से पकड़ के लेके आए इसको? विलास भाई मैं खबर करूंगा? क्यों करूं? मुझे क्या पड़ी है? मुझे तो धंधा करना है यहाँ। मैं कोई गांव से खबर इधर का उधर, उधर का इधर करने नहीं आया है। बस सब फोन उठा डाला, अब मैं फोन कहां से करूंगा? बोलो, ये लो चाबी, ये मेरे घर की चाबी है, ये लो पकड़ो पकड़ो इलाज भाई, ये उस कमरे की चाबी है। बंद कर डालो मुझे कमरे में, जैसे तुमने मेरी बीबी बच्चों को ऊपर कमरे में बंद किया है। इलाज भाई मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? तो विलास भाई तुम बहुत दिन से इस धंधे में काम कर रहे हो, मैं भी आपका काम आ सकता हूँ। हाँ सोच लीजिए, मैं काम में आ सकता हूँ। विलास भाई ये क्या सोच रहे हैं आप? विलास भाई और क्या सोच रहे हैं? और क्या सोच रहे हैं? उसको बंद करके अंदर। क्या किया तू? भाग रहा था, गोली चल गई, मर गया। भेजा फिर क्या तेरा? मैं तो आपकी मदद ही कर रहा था। वो इस वक्त राजेश चोपड़ा के फ्लैट में लोखंडवाला सी ग्रीन अपार्टमेंट्स पे होगा, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम है। चल अभी चल के तेरे को टिटनस का इंजेक्शन लगवा देते हैं। अभी रात को? हाँ कल लगा लेगा ना भाई।
मुझे जो भी पता था बता दिया, चाहे तो मेरे पैसे ले लीजिए प्लीज, पर मेरे जाने दीजिए प्लीज, लेट मी गो। भिखारी समझाया क्या? देख रख, वैसे तो है बहुत कमी ना। है सलील बोल रहा था कि तू हीरो की बीवी को बटा रहा था होटल में। तुम लोग सोसाइटी में यही चलता है ना, किसी का मर्द किसी की औरत। नहीं मतलब, हाँ मतलब ज्यादा नहीं, जैसे आप लोग के सोसाइटी में मर्डर होता है ना वैसे ही। जोक मारता है। हटो चल। अंग्रेजी में गाली देता है? ये हो क्या रहा है? कहां से घुसा है लोग? कौन है भाई तुम लोग? क्या बाबा, हम लोग शरीफ लोग हैं। शरीफ? अरे शक्लें तो देखो सर, तुम लोग घुसने किसने दिया अंदर? वाचमैन, ये पूजा भाई कहां है? सॉरी आप भी सो ना। सलाम भाई। क्या हुआ? बहुत ढूंढा पर वो कालिया नहीं मिला। इधर है वर्दी तेरा। अभी ड्यूटी पर नहीं हूं। ड्यूटी पर होने के बाद भी मत पहन वर्दी। साला तेरा पुलिस में होने का फायदा क्या अपने को? बोला था एक प्रफुल्ल कालिया को ढूंढने का है, नहीं ढूंढा। ऐसा मत बोल भाई। देख मैंने बहुत कोशिश किया। क्या कोशिश किया? तू झूठ बोलता है मेरे से। मेरे को नहीं मालूम तू क्या कर रहा था। पुलिस स्टेशन में बैठ के अपना हफ्ता बांट रहा था। कोशिश किया। ठीक कर अपने को, ठीक कर अपने को। अस्पताल ले जाने का इसको, मार लगी है इसको। टैक्सी में बिठा कर भेज देना। ए क्या बोला तू? छोटा को तू अस्पताल ले जाएगा तो तेरा स्टैंडर्ड में कुछ कम हो जाएगा क्या? ऐसा बात नहीं है, तुम खाली पी लिए। देख तू अभी बहुत सलाह देता है, अपना सलाह अपने पास रख। बराबर पटनकर के साथ जा। नहीं भाई, पटनकर के साथ। जल्दी कीजिए प्लीज, हरी आप प्लीज, प्लीज। गाड़ी बाहर कर, मैं भी आता हूं। उन्हें बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ तुम भाई क्या करता? तुम झूठ नहीं बोल सकते थे, बहाना नहीं बना सकते थे क्या? तुम क्या चाहती हो? ओ शट अप, क्या चाहती हो मुझसे? शट अप, बहुत हो गया, बहुत हो गया। गेट लॉस्ट केसी। क्या हुआ? लफड़ा हुआ, उसकी बीवी ने पुलिस में कंप्लेंट किया। तो क्या सभी पुलिस वाले मेरे जैसे नहीं होते? ये इंस्पेक्टर बहुत सर पे रहा है, तेरे भाई को अंदर कर देगा। चल चल चल, भाई को बोल दे पुलिस भेजे, चल। पूजा उन लोगों को पता चल गया कि हम लोग कहां हैं। अबे भाग, चल जल्दी कर, चल जल्दी हया। पूजा यहां के लिए निकल चुकी है, हम उसे नीचे से ही लेकर चलते हैं। पहली बार मिले जब हम तुम, पहली बार
यार मिले जब हम तुम, पहली बार मिले जब हम तुम, चर्चे थे दिलदारों में, लाखों दिल की धड़कन थे तुम हम थे एक हजारों में, लाखों दिल की धड़कन थे तुम हम थे एक हजारों में। दूसरी बार मिले जब हम तुम, दूसरी बार मिले जब हम तुम, हम आए रिश्ता लेकर, दूसरी बार मिले जब हम तुम, हम आए रिश्ता लेकर, तीसरी बार मिले जब हम तुम, तीसरी बार मिले जब हम तुम, घरवासी था सन्यासी, तीसरी बार मिले जब हम तुम, घरवासी था सन्यासी, फिर तुम भी थे बुझे बुझे से, हम भी हो गए थे बासी। चौथी बार मिले जब हम तुम, चौथी बार मिले जब हम तुम, हाल बुरा था जीवन का, पुलिस कचहरी तक जा पहुंचा, झगड़ा घर के आंगन का, कुछ नहीं हुआ भाई, कल तक तो रमन भाई के लिए काम करता था, आज क्या हुआ? रमन भाई और विलास भाई आज एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए।
बोल रहे हैं क्या हुआ बोल। धड़कने वालों क्या हुआ? हाँ मालूम है, कुछ कुछ मालूम है, लेकिन मौका तेरे हाथ से निकल गया। एक छोटे बच्चे को मारा तूने, अभी क्या करेगा? बोल बोल क्या करेगा तू बोल। भाई भाई को मिलाएगा, लेकिन एक भाई की लाश होगी और वो तेरी। तो चला गोली मार मेरे को, चला गोली बसी, चला गोली, चला बसी, आएगा, चला। छोड़े लाइन, छोड़। अरे अड़े पहले लॉक खोलते हैं। चल चल जल्दी चल, आराम से जा, जल्दी जा। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं उसके घर चली जाऊंगी? मुझे अब कोई चारा भी नहीं है, मालिका यहीं रहती है इस बिल्डिंग के पीछे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग यहाँ भी हो सकते हैं। तुम यहाँ अक्सर नहीं आया करते थे? क्या बोलते हैं, क्यों पागल हो क्या? पूजा थोड़ी देर के लिए अपनी शादी की प्रॉब्लम को भूल सकती हो, हमारी जान खतरे में है, समझा इसे। देशपांडे को बुलाओ, डॉक्टर देशपांडे को बुलाओ। छोड़े अभी वेट काहे का कर रहा है? चला गोली और मार मेरे को, है मार मार मेरे को, और जाके भीख ले अपनी रमन से, कुत्ते के माफिक दिखा अपनी वफादारी, अभी मार मेरे को। वो भी मैं कर सकता हूं विलास, वो मैं कर सकता हूं। इंस्पेक्टर पाटनकर ने अंडरवर्ल्ड के मशहूर भाई विलास को एक बिल्डिंग में घेरा, चेतावनी के बावजूद भी विलास ने पाटनकर पर गोली चलाई और अपनी जान बचाने के लिए पाटनकर ने गोली चलाई जिसमें विलास मारा गया। ये एक कहानी हो सकती है विलास, और दूसरी कहानी क्या है? खोल के रख छोटे, तू जिंदा है तेरे को कुछ नहीं होगा। हाँ खोल, चल चल खोल। निष्पाटे किधर है छोटे? छोटे चल छोटे, चलिए जल्दी कर, चलिए 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 जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब। किधर था तू छोटे? इसका इलाज कर छोटे, इलाज कर इसको, ठीक कर इसको छोटे, इसको कुछ देवा इसको, तो कुछ नहीं हुआ। मेरे को बुरा खबर नहीं मांगता कोई, मेरे को बुरा खबर नहीं मांगता, इसको कुछ नहीं हुआ, ये मेरा बेटा है मेरा। तू रोता है तू? हाँ चुप करा, इसको दिमाग खराब हो गया इसका। जीवन क्या है जाए, जाने पछताए, जा जाने पछताए, जीवन क्या है? जीवन क्या है कोई न जाने। मैंने खाने को कुछ पैक कर दिया है, आप चाय लेंगी? नो थैंक यू। आप चाहे तो मेरे कुछ कपड़े ले जा सकती हैं। कैलकटा इज वेरी फार, यू माइट नीड अ चेंज। नहीं मैं सॉरी खरीद लूंगी। पूजा बदतमीजी मत करो प्लीज,
ठीक तो कह रही हो, इस वक्त रात को। मालिका कुछ कपड़े रख दो, पूजा तुम तो बस। Do you love him? Please मुझे बता, क्या तुम इसे चाहती हो? हाँ? प्लीज मुझे बता। सच जानना चाहती हैं आप? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, सब झूठ बोल। मैं वापस आऊंगा तुमसे मिलने। क्यों आओगे? क्यों आओगे? क्यों नहीं आ सकते क्या? मैं यहाँ रहूंगी ही नहीं। कहाँ जा रही? तुमसे क्या मतलब? वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया। मेरी बहन से बहुत प्यार करता था, सोचता था मेरे को मालूम नहीं, मेरे से चुपकर मिलते थे, मैं सोचा था कि टाइम आने पर दोनों का फाइव स्टार में शादी करा दूं। मेरा तो और कोई नहीं था, जो कुछ भी मेरा है इसका होता। आ,
फादर को कोई फायदा नहीं है, ये तो गया। ले जाओ इसे। बहन के पास पेरिस। मत जाओ। मेरे लिए यहां क्या रखा है? मालिका, प्लीज। मैं यहां नहीं रह सकती राजेश। यहां की हर चीज हर जगह आदित्य से जुड़ी हुई है। भूल जाओ कभी को। क्या कह रहे हो राजेश? तुम्हारा दोस्त है? नहीं, मेरा दोस्त नहीं है वो। मैं उसका दोस्त हूं लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं है। मत कहो ये सब, मैं उससे प्यार करती हूं। लेकिन वो तो तुम्हें प्यार नहीं करता। वो तो चला गया है अपनी बीवी के साथ तुम्हें यहां छोड़कर। देखो मालविका, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं चला जाता था तुम दोनों को अकेला छोड़कर अपने फ्लैट से, लेकिन मत कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये बात सच है कि मैं तुमसे प्यार करता था हमेशा। मैंने ये बात कभी कही नहीं क्योंकि, लेकिन आज जब उस हरामजादे ने ये हरकत की तो मत करो ये बकवास। क्यों ये बकवास? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं आदित्य से प्यार करती हूं। Get out from here. Get out from here! जहां भी रहे खुश रहे। मेरे को वो हीरो मांगता है, उसको बादल में पहुंचाने का है। भाई वो चाड़िया हीरो का दोस्त अपनी मौत के पास चलकर काय को आया है तू? तू जानना चाहता है ना आदित्य कहाँ है? मैं बता सकता हूं। मैं उन लोगों को कहूंगा कि तुमने मुझे बहुत मारा इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो मेरा ही इंतजार करना। तुम कलकत्ता नहीं जाओगे?
मैंने कहा तुम कलकत्ता नहीं जाओ। क्या मतलब? मैं अकेली जाऊंगी। पूजा देखो तुम, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्या बोल रही हो तुम? ये बात हम बाद में कर सकते हैं। तुम जानते हो तुमने मेरे साथ क्या किया। आज रात के बाद सब कुछ बदल। मुझे समय चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी टिकट का इंतजाम करता हूं। टीटी साहब मेरी बात सुनिए, टीटी साहब देखिए भाई साहब मेरी बात सुनिए प्लीज, जान से मारने की धमकी दी थी। क्या क्या चाहती हो तुम? जान देता अपनी उस कमीने के लिए। तुम्हारे साथ क्या किया उसने और मालविका के? तुम्हें भी छोड़ देना चाहिए उसे। पाटंकर अब किसका मांडवाली कराने को आया था? अभी इधर कोई मांडवाली नहीं होगा रमन। तेरे को रस्ते लगाने आया मैं डुक्कर सालिया। आराम चुप चुप साला, अंदर बैठ, अंदर बैठ, देगा तो मुंह उड़ा देगा तेरा। तुम्हारा छोटा को ठीक समझा रहे सुअर? पन बच गया तू। गोली किसके वास्ते थी समझाना भी? तू छोटा को मार। मारिकल, मारिकल विलास, विलास, गन निकाल इसकी, गन निकाल इसकी, हिल मत, ए बे पागल कर, चल, दे रहा हूँ, जा, जा अभी यहाँ से, ए तलाशी ले इसकी, निकाले निकाल हथियार, निकाल इसका। कड़िया, क्या कर रहा है कड़िया? उठे उठ, चल उठ उठ। तलती मारने का सीधा ऐसे क्या? बीवी बच्चा भूखा मर जाएगा साला।
या बोल अभी, वफादार कुत्ते का मौत मरना है तो वैसा बोल। बुलेट भेज चुका हूं। अरे जा रहे ना, चल ना ये चल। लेकिन ये इसका क्या, ये जिंदा रहेगा तो हम लोग को छोड़ेगा नहीं, उसका गारंटी मेरा है, बचेगा नहीं है। शंकर बड़ा, कल मिल मेरे को। आपको इससे क्या मतलब? मैं आपसे कह रही हूं ना कि उसने मुझसे कहा था कि क्यों नहीं कहा था आदमी हॉस्पिटल में होगा। अब वो बोला तू, पागल हो गया मैं, दिमाग खराब हुआ मेरा। तो कुछ भूल गया तू? बोला मैं नहीं हूं रमन, बोला तू है। क्या बोला मैं? तू शोभा को मारा है रमन। बस बोला कि वो एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट। ये भी एक्सीडेंट ही है विलास, इतना दिन का दोस्ती भूल के तो उसके साथ, इसके साथ मिल गया, उसके साथ जो मुझे बोला कि तू प्रफुल कालिया का आदमी है, जो बोला कि तू मेरा सुपारी उठाया है 10 पेटी में। झूठ बोल रहा है तू? नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा है। वो मुझे बताया कि तू किस होटल में, वो मुझे बताया कि तू उधर है, इसलिए मैं उधर आया। हर्षो बाबा भी मर गए। बनेगा कल के पेपर में, गैंग वॉर में दो भाई लोग मर गया, कुतरा साला। Yeah.
तू देखता क्या है? ए, क्या देखता है तू? खोलना। ए, गाड़ी आ रही है, खोलना इसको। इलो, इलो खोल इसको। ए, खोलता। खोलता। रमन भाई निकल गई हवा। हाँ, कहां गई तेरी मर्दानगी? हीरो, हीरो, देख देख, खोल दे मुझे, खोल इसको, खोल खोल साले, खोल। एक और ट्रेन आएगी, इस बार वो इस ट्रैक पे आएगी। देख तू कितना कमाएगा है? ये तो साबुन, साबुन तेल, ये चाय का पत्ती का एडवर्टाइज करके कितना कमाएगा? एक पेटी, दो पेटी, पांच पेटी। मैं तेरे को एक धोखा देगा, 1 करोड़। खोल दे। मैंने तुझे तमाचा मारा, बदला ले लेगा तू? मैं भूल गया वो सब, मैं माफी दिया तेरे को, मैं माफी मांगता है तेरे से। आता मेरी पहुंचाएगा मुझे? साला रात भर मेरी जान के पीछे पड़ा रहा, अपनी जान की भीख मांगता है मुझसे। हीरो मुझे छोड़, गाड़ी आ रही है, मर जाएगा। देख देख मेरी दो पैर है, छोड़ना, वो मेरे ऊपर डिपेंड करती है। हीरो मैं मर जाने चाहता हीरो। पुलिस इंस्पेक्टर के लिए। हीरो
सुजा, तू रमन भाई का जान बचाया है, मैं माफ किया तुझे, जा। बहुत घटिया आदमी है तू। क्या बोला? मैं बोला बहुत घटिया आदमी है तू। मैंने गलती की जो तुझे छोड़ दिया, तुझे तो कट के मर जाना चाहिए था, कुत्तों खानी चाहिए थी तेरी लाश। वो तो मैं कमजोर था जो मैंने तुझ जैसे घटिया आदमी को छोड़ दिया। है माफी मांग, चल चल माफी मांग। तुझे क्या लगा था कि एक करोड़ के लिए तू मेरा जान बचाया और तू रमन भाई को कुछ भी बोलेगा? चट चट इसे। देख रहा है गाड़ी आ रहा है, यही गोली मारेगा तेरे को मैं, और इसी गाड़ी के नीचे आएगा तो चल चल मार मां। चला गोली। ये काम तो मुझे पहले ही करना चाहिए था, तेरे सामने सीना खोल के खड़ा हो जाना चाहिए था। साले मैंने तुझ पर एहसान किया, तेरी जान बचाई और साला तू मुझे ही धमकी दे रहा। चला चला गोली। माफी मांग, माफी मांग, माफी मांग। हिम्मत है तो चला गोली। ए हीरा ही माटी के पुतले को तोड़े, माटी ही माटी से अपने रिश्ते न लड़े, जो होता है क्यों होता है कोई भेद ना पाए, जो आदित्य साहब, ये क्या हंगामा मचा रखा है आपने? पूरी रात नींद नहीं आई। ये सोसाइटी है सोसाइटी, कोई झोपड़पट्टी नहीं है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, समझे कि नहीं? न जाने कहां कहां से उठा के ले आते हैं मवालियों को। लीजिए, चल दिए मुंह घुमा करके। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी कंप्लेंट करूंगा सोसाइटी में।